हाय एवरीवन, सो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी पे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में है ये, सिंस दैट राइट टू प्राइवेसी वाले जजमेंट के बाद तो और भी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। सो देखते हैं क्या है ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इट, ये है क्या, फिर उसके बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा इसके बारे में, देन इज़ इट टाइम टू रिव्यू इट, एंड लास्टली द वे फॉरवर्ड। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो वॉट इज़ इट, ठीक है, ये बेसिकली सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी डेट्स बैक टू 1860, ठीक है, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और ये है क्या, ये क्रिमिनलाइज करता है किस चीज़ को, सेक्शुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, उन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ को जो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर है। और इसमें मेनली जो आती हैं वो है होमोसेक्सुअल सेक्शुअल एक्टिविटीज़ या सेक्शुअल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द होमोसेक्सुअल्स। तो अगर हम देखें अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर का क्या मतलब है, वो सेक्शुअल एक्टिविटीज़ जो नॉन प्रोक्रिएटिव है, ठीक है, जो कि प्रोक्रिएशन में हेल्प नहीं करती, या फिर जो फन के लिए सेक्स किया जाता है, बेसिकली उससे ये क्रिमिनलाइज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर हम देखें तो ये अडल्ट और कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज कर रहा है, क्योंकि वो सेम सेक्स के बीच में हो रही हैं। तो अब एक अडल्ट को तो पता है सही और गलत, और अगर कंसेंट भी इन्वॉल्व है तो सिर्फ वो सेम सेक्स के बीच में है, इस वजह से इसलिए वो क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, और सेक्शन 377 इज़ द वन विच एक्चुअली डज दैट। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद प्रायर टू 1860 अगर हम बात करें, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने इसको सेक्शन 377 वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ थी इंक्लूडिंग दोज अमंगस्ट होमोसेक्सुअल्स, दे वर नॉट पीनलाइज्ड इन इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली जब भी सेक्शन 377 की बात करी जाती है कि इसको अब डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, लेकिन उसके अगेंस्ट हमेशा ऑपोजिशन होती है, क्योंकि ये कहा जाता है सेक्शन 377 में जो क्रिमिनलाइज है सेम सेक्स होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़, तो जो होमोसेक्सुअलिटी है दैट इज़ अगेंस्ट आर कल्चर, दैट इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन। ठीक है, सोसाइटी में इनकी कोई जगह नहीं है, और इसे बेसिकली एक डिसऑर्डर भी बताया जाता है। ये रीजंस दिए जाते हैं कि इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए और स्टेटस को के साथ स्टिक करना चाहिए। बट अगर हम देखें जब ब्रिटिशर्स ने इसको आके इंट्रोड्यूस किया, उससे पहले तो इवन आप अगर देखें खजुराहो में जो स्कल्पचर्स हैं वहाँ पे गे सेक्स है, तो दे हैव बीन द पार्ट ऑफ आर कल्चर। ठीक है, तो इसलिए कल्चर वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और इसीलिए एंड देन आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश है जिन्होंने खुद ये इनैक्ट किया था हमारे देश में, उन्होंने खुद के अपने देश में, ठीक है, दे हैव गॉट रिड ऑफ इट इन 1960s, ठीक है, दे हैव गॉट रिड ऑफ इट इन 1960s, उन्होंने खुद अपने देश में इसको ख़त्म कर दिया है, तो हमारे देश में तो ये क्यों ही होना चाहिए। ठीक है, सो बैकग्राउंड क्या है अगर हम सेक्शन 377 की बात करें, एक नास फाउंडेशन है, नास फाउंडेशन इज़ एन NGO विच वर्क्स बेसिकली फॉर सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं ये, और ये बेसिकली एड्स HIV पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर काम करते हैं। और एड्स और HIV अगर आप देखें तो MSM इंडिविजुअल्स, दैट इज़ मैन हैविंग सेक्स विद मैन इंडिविजुअल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसका नंबर। ठीक है, और ये लोग ये रिपोर्ट भी नहीं करते हैं इनकी, क्योंकि इनको लगता है कि ये पीनलाइज हो जाएंगे, और क्योंकि पीनलाइज हो जाएंगे और इन्हें सज़ा मिलेगी, तो वो अपनी हेल्थ के ऊपर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो नास फाउंडेशन वर्क्स फॉर दीज इंडिविजुअल्स, तो उन्होंने बेसिकली 2002 में केस फाइल किया था, और उन्होंने बोला था कि सेक्शन 377 शुड गो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 2009, इसको नास फाउंडेशन केस ही कहते हैं, ने इट एक्चुअली हेल्ड दैट के जो जो ये सेक्शन 377 है ये एक तरह से जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि क्रिमिनलाइजिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद कंसेंट इन प्राइवेट, ठीक है, नॉट ओनली इम्पेयर्स द डिग्निटी ऑफ दोज पर्सन्स टारगेटेड बाय द लॉ, ठीक है, उनकी डिग्निटी के लिए अच्छा नहीं है, और उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है, एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द हेल्थ ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो सामने आ ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट केस चला जाएगा या लीगल प्रोविजन्स वुड बी स्टार्टेड अगेंस्ट दोज पीपल, तो वो ओपन में नहीं आते हैं।
ठीक है। और इन्होंने ये भी हेल्ड किया कि गे मैन आर सीन एज क्रिमिनल्स बाय द लॉ बिकॉज ऑफ सेक्शन 377 एंड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उनकी डिग्निटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है एक तरह से। सो दिस जजमेंट, दिस नाज फाउंडेशन जजमेंट, इट एक्चुअली लिफ्टेड द क्रिमिनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गे मैन एंड वॉज वेलकम्ड बाय ऑल। और 2009 में ये जजमेंट आई, उसके बाद 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया था, पर इस 2009 से लेके 2013 के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो गे मैन थे दे केम आउट ऑफ द क्लॉजेट। देखिए, उनके लिए ऑलरेडी अपनी फैमिली से लड़ना बहुत मुश्किल है, अपना पेयर ग्रुप फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद लॉ भी अगर उनके अगेंस्ट हो जाता है, सो वो अपने एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप में ही रहते हैं। बट अगर हम देखें तो 2009 के बाद लॉट ऑफ देम दे केम आउट एंड यू नो दे सेलिब्रेटेड जो भी उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको, ठीक है। उसके बाद इस जजमेंट के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी उन्होंने भी एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी जिसमें अदर्स, ठीक है, फॉर ट्रांससेक्सुअल्स एंड फॉर होमो दिस एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए उन्होंने भी एक अदर्स की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। ईसीआई गेव देम द चॉइस ऑफ रजिस्टरिंग एज अदर्स एंड देयर बाय ड्रॉपिंग द रिक्वायरमेंट दैट दे डिक्लेयर देमसेल्व्स मेल और फीमेल, ठीक है। तो ईसीआई ने भी एक तरह से उनको थोड़ा सा ओपन में आने का एक इंसेंटिव दिया था कि उनको मेल या फीमेल की बजाय वो अदर्स भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, तो एक कैटेगरी ऐड कर दी थी अदर्स करके भी। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में कौशल जजमेंट कहा जाता है, काफ़ी फेमस है। तो वो कहते हैं दिस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज द सुप्रीम कोर्ट इन सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन के सेट असाइड द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। तो एक तरह से फिर से 377 को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। और जो ग्राउंड्स बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के बारे के द्वारा वो ये थे कि इट डज़ नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 377 इट डज़ नॉट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड देर वॉज द लिटिल एविडेंस दैट द प्रोविजन वॉज बींग मिसयूज्ड, ठीक है। और मिसयूज ऑफ लॉ डज नॉट मेक इट इनवैलिड। तो जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि जो ये गे मैन थे सो दीज वर बींग एक्सप्लॉयटेड बाई पुलिस, है ना, उनके अपने फ्रेंड्स पीयर ग्रुप है ना उनको एक तरह से ब्लैकमेल करते थे कि वो क्योंकि तुम्हें पता है कि सिंस योर एक्ट्स कैन बी क्रिमिनलाइज्ड, है ना, तो इसलिए उनको ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन वगैरह के केसेस बहुत सामने आते थे। तो नास फाउंडेशन की एक ये भी था कि ये प्रोविजन बहुत मिसयूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, बहुत ही कम एविडेंस है कि ये मिसयूज होता है और मिसयूज ऑफ अ लॉ डज नॉट मेक्स इट इनवैलिड, ठीक है। उसकी मिसयूज को रोकने के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि हमने उस लॉ को इनवैलिड ही बना देना चाहिए, ठीक है। और ये बोला गया कि ये लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपील करे या अमेंड करे लॉ को। तो उन्होंने बोला कि अभी तक आईपीसी 30 बार के करीब अमेंड हो चुका है और अगर लेजिस्लेचर चाहे तो वो इस सेक्शन को भी ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्होंने बोला कि जो ये माइनॉरिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, ठीक है, एलजीबीटी की, तो उसके लिए हम पूरा सेक्शन ही ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इस सेक्शन में ना नॉन कंसेंशुअल सेक्स भी आता है एंड सेक्स विद चिल्ड्रन भी आता है, तो सिर्फ इन माइनॉरिटीज़ के लिए हम पूरा सेक्शन ख़त्म कर दें, ये नहीं हो सकता। सो कौशल जजमेंट कहते हैं इसको। और तो उसके बाद लास्ट में जो अगर हम इसका बैकग्राउंड ही देख रहे हैं तो जो नालसा केस है उसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक जजमेंट दी थी जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि हम एलजीबीटी के भी सारा डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया था। और उन्होंने ये बोला था कि इन ट्रांसजेंडर को ओबीसी में रिजर्वेशन भी मिलनी चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन भी मिलनी चाहिए इनको। तो अभी अगर हम देखें तो ट्रांसजेंडर बिल है जो पेंडिंग है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी रिकमेंडेशंस भी दी थी, उसको प्लीज़ पढ़ लेना जाकर। और उसके बाद जो 377 का केस था जो 2013 में जिसके वर्डिक्ट आया था उसके अगेंस्ट भी अभी क्यूरेटिव पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड और वो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको देख रहा है जो कि डिसाइड करेगा वेदर 377 स्टेज और गोज, ठीक है। सो नेक्स्ट है वेदर टाइम हैज़ कम टू रिव्यू इट।
तो अगर हम देखें तो अभी आपने देखा है कि सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, और प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट. तो इट मेक्स द केस स्ट्रॉन्गर दैट इट इज़ अ टाइम टाइम हैज़ कम टू रिव्यू द सेक्शन 377. और उसके बाद अगेन जैसे कि हम कहते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21, ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरी वन इज़ इक्वल, एंड इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 15 कि देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा. और सेक्स में ही तो आता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है. सो इसीलिए इसका टाइम आ गया है कि हम इसको रिव्यू करें. उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी कि गे मैन दे आर बींग ब्लैकमेल, ठीक है, उनकी ब्लैकमेलिंग, उनसे पैसे लिए जाते हैं, पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा है. और ह्यूमिलिएशन है उन लोगों के लिए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है अपार्ट फ्रॉम बीइंग ब्लैकमेल्ड आइदर बाय देयर एक्वेंटेंसेस और इवन बाय द पुलिस, ठीक है, पुलिस तक उनको ब्लैकमेल करती है. सो इट मेक्स गे मैन फील लाइक लेसर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे आर सीन एज क्रिमिनल्स बाय द लॉ, ठीक है. सो इट नॉट ओनली इम्पेयर्स द डिग्निटी बट ऑल्सो फोर्सेज देम टू गो इन टू क्लॉजेट. तो अगेन फिर बात वही आ जाती है कि जिससे उनकी हेल्थ भी जेपर्टाइज हो जाती है, उनका उनकी जो ईगो है वो भी हर्ट हो जाती है. तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बुरा है फॉर द हेल्थ ऑफ दोज इंडिविजुअल्स, ठीक है, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल. देन इट सीम्स, और उसके बाद जैसे जो कोर्ट ने बोला ही था कि लेजिस्लेचर को डिसाइड करना चाहिए, तो अगर हम देखें तो इट सीम्स दैट द कोर्ट फॉरगॉट दैट सेक्शन 377 वाज नेवर इनएक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, इट हैड बीन इनएक्टेड इन 1860 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वॉज थ्रस्ट अपॉन द इंडियन पीपल विदाउट एनी पब्लिक डिस्कशन और डिबेट. एंड द थिंग विच शुड बी नोटेड इज कि ब्रिटिश ने खुद इस को रिपील कर दिया है, ठीक है, 1964 में वहाँ पर खुद लॉ पास हो गया था. So, sexual orientation, as it is understood by many, is not a choice. So, how can it be penalized? Okay? So, we as a society need to have a broader vision and be more inclusive. So, we talk about inclusivity, we need to make society inclusive. So, how can we keep them aside? Chahe wo choti si minority hai, hume unko bhi saath lekar chalna hai. सो वे फॉरवर्ड क्या है, तो जो लेटेस्ट जजमेंट है जो 9 जजेस का बेंच था प्राइवेसी पे, ठीक है, दैट हैज़ ऑब्जर्व दैट कौशल केस हैज़ नॉट अप्रिशिएटेड द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इन इट्स एप्लीकेशन टू सेक्शन 377. तो उन्होंने भी यही बात नोटिस करी है जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं जो कौशल वर्डिक्ट है इट इज़ डेड, ओनली इट्स बरियल इट रिमेन्स, ठीक है, एंड इट इज़ हाई टाइम दैट द चेन्स आर ब्रोकन एंड वी गेट रिड ऑफ सेक्शन 377 so that gay men and the LGBT community can live their lives with dignity. Okay, so that's all about for section 377. Thank you so much.